अच्छा ये ना, मैं अब दोबारा से ब्लास्ट में जाता हूँ। आपकी कौन सी सीजों से आपकी ये 0.9, ये जी ये टोटल 67 है आपकी? जी सर। अच्छा कौन सी वाली खराब है? सर मेरी सर मैं देख के बताती हूँ सर, 13। अच्छा 0001। ओके सर 57। एक मिनट, पहले एक एक को चेक करते हैं ना। टिक लगा के आसानी हो जाती है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ट्रिपल 01 है ना आपकी? जीरो टू ये बड़ी है। अच्छा ये वाली है ना, अच्छा इसमें आप पता क्या करें, ये जो है ना ब्लू वाली, जी सर, ये रीजन बस कॉपी करने, सिर्फ ब्लू सर, ब्लू करने। सर ऊपर 1500 नहीं लिखना अपस्ट्रीम में या कुछ ऐसा, कुछ के कुछ भी नहीं लिखना। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट मैं आपके लिए नई फाइल बनाता हूँ। इन सब ये सारी सीक्वेंसेस मैं ना आपको ठीक करके देता हूँ। अच्छा ये वाला हो गया, ये है जीनोमिक सीक्वेंस, ठीक है। आपका है एनाकार्डियम ए ओ, जी सर, लेकिन ये चलो ए और डॉफ 13 अंडरस्कोर, इसका एक्सेशन नंबर क्या है? ये वाला, ठीक हो गया, ये हो गई आपकी ये वाली। अब नेक्स्ट इसका मैं सीडीएस देखता सर, 57। एक मिनट पहले इसका सीडीएस भी देख लें। ठीक है, टाइम भी ठीक ही होगा, ठीक है। अच्छा और क्या होती है फिर? सीडीएस सर, सीडीएस हो गया। नहीं वो ठीक है, सीडीएस और वो बाकी चीजें, ठीक है, ठीक है सर। 57। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये वाली है 6, 0, 3, 5, 1। अरे
सिक्स सर 0018S1004 है। सर 57 है पहले और 57 है फिर 59 है। अरे 57 1004 ये वाली है। इसमें भी आप पता क्या करें, ये जो ब्लू है जी सर, एटीजी यहां से स्टार्ट हो रहा है, पता ना आपको जी सर, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये दरमियान में व्हाइट वाला रीजन है, फिर ब्लू आता है और फिर ये एंड तक यहां तक, यहां पर ये जो नीचे पिंक सा कलर है ना, पता नहीं कौन सा कलर है, ये आई हैव नो आईडिया, यहां से ऊपर ऊपर टैग आता है, टैग से ऊपर ऊपर ये कर ले जी। ये कौन सा है, ए ओ डॉफ 57 जी सर, अंडरस्कोर ये जो ट्रांसक्रिप्ट नेम है ये रखना होता है आप लोगों ने जी सर, ये ट्रांसक्रिप्ट नेम ही रखा है सबका सर, ये आप क्या कह रहे हैं, ये नंबर लिखना है, लिखा होना चाहिए हाँ सर, ये लिखा हुआ है हर एक में मेरा ठीक है। अब अगला कौन सी है इसके बाद सर, 59 1533 59 A or the 59 underscore this, ठीक हो गया, बल्कि ये कॉपी कर लेते हैं हम। ये इसके दो आ रहे हैं, बल्कि 3 1533 इसके तीन आ रहे हैं सर, मैं आपको पूरा बोलती हूँ, 0005S1533 दोबारा बोलना सर, 0005S1533
टिक लगा के देख लें सर, टिक लगाने से पता चल जाता है कितने हो गए हैं, कितने रह गए हैं। अच्छा टिक लगा से लगाने से पता लग जाता है। स्टार्ट से लगाएं है? सर स्टार्ट से लगाए ना सर, 1 2 3 इस तरह, फिर पता चल जाएगा कि 59 किधर आ रहा है। मैंने एक और एनालिसिस करा, ये सेम नंबर के साथ ना ये वाला नंबर जो आ रहा है ना आपका जी सर, इसके साथ कई आ रही है सर, मैं इसलिए कह रही हूँ काउंट कर ले फिर पता चल जाएगा कि 59 कौन सी है। ओहो मेरी बात नहीं समझ रही। एक तो ये होगी, ये दो, ये तीन। अच्छा आपने इन सब का एनालिसिस किया, सब के अंदर डाउन डोमेन है, प्रोटीन का एनालिसिस किया आपने? जी सर। सभी में है डाउन डोमेन? सर प्रोटीन एनालिसिस कौन सा? अच्छा आपने सर, मैंने एक सर मैंने वो किया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर पे जाके वो सर मतलब पेप्टाइड वाली।
भेज दिए सर। एक दो आपने इसमें ना बड़े कमल मारे हुए हैं आपने सर। क्या चलो मैं बताता हूँ, ये जो प्रोटीन फाइल है ना आपकी, इसमें मैंने कहा था कि एंड के ऊपर स्टार्स नहीं लेने सर। स्टार्स नहीं लेने? हाँ जी सर, मतलब स्टार्स रिमूव कर देने हैं। मैं एक मिनट में कर देता हूँ, आप इसको कंट्रोल कॉपी करें स्टार को, इधर फाइंड में जाएं कंट्रोल एफ और फिर फाइंड विद रिप्लेस विद नथिंग, उसमें रिप्लेस ऑल, ठीक हो गया, अब रिप्लेस हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आपने ट्रांसक्रिप्ट नेम लिया हुआ है, यहाँ पर ये देखो ना अंडरस्कोर 3 भी साथ में लिखा हुआ है सर। अंडर क्या है ये सर, मुझे समझ नहीं लगी क्या। जो इन केस ऑफ प्रोटीन ना आपने अंडरस्कोर 1 लिखा हुआ है, ये देखो अंडरस्कोर 3 आपने लिया हुआ है प्रोटीन के लिए, आपने लिया हुआ है सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्ट वाला, ये देखे ये नाम लिखा हुआ 0.3 है ना लिखा हुआ इधर जी सर। अच्छा आप ये देखना पेप्टाइड के लिए भी 0.3 लिखा होगा, ठीक हो गया जी सर। लेकिन आपने जीनोमिक के अंदर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नहीं डाले हुए, ये देखो एक तो ये प्रॉब्लम है, नहीं लगी समझ सर। मुझे लगा कि शायद अगर वो अंदर वो पॉइंट्स होंगे तो शायद वो कॉपी ना, मैंने वो काट दिया फिर। नहीं नहीं पॉइंट लिखने हैं, लेकिन पॉइंट की जगह ना अंडरस्कोर ऐड कर देना आपने। अच्छा अंडरस्कोर 3 और जो भी था। अच्छा हाँ एक तो ये मैं कर देता हूँ, ये ठीक। अच्छा अब एक तो प्रोटीन की आपकी जो सीक्वेंस है ना उसके अंदर मैं भी देखता हूँ कि मोटिफ फाइंडर में जाके ना, अब मोटिफ फाइंडर में जाए क्या आपकी सारी की सारी सीक्वेंसेस के अंदर डॉफ है कि नहीं, पहले तो ये मालूम करें ताकि फर्दर एनालिसिस करने से पहले हम आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस जो है ना उसका एनालिसिस कर लें। अच्छा ये वेटिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं सारी सीक्वेंसेस इकट्ठी ऐड कर दी है मोटिफ फाइंडर के अंदर, इट विल टेक लिटिल टाइम, ये हो गया। अब आपने एक एक सीक्वेंस का एनालिसिस करना है, ये देखो पहली के अंदर भी डॉफ है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी के अंदर भी, सातवीं के अंदर भी डॉफ है, आठवीं के अंदर भी है, नौवीं के अंदर भी है, दसवीं के अंदर भी है, ग्यारहवीं के अंदर भी है, बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं पंद्रहवीं सोलहवीं सतारहवीं सभी के अंदर है, सतारह तक, अठारह उन्नीस बीस इक्कीस डॉफ है, डॉफ है, डॉफ है, डॉफ है, यहां भी डॉफ है, यहां भी डॉफ है, यहां भी डॉफ है, यहाँ भी डॉफ है, यहाँ भी डॉफ है, यहाँ भी 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 है, यहाँ एंड के ऊपर है, यहाँ हम शुरू में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अच्छा 53 के अंदर है डॉफ है, 57 थी ना आपकी इशू
57 में है, 57 ही सर, 67। उसके बाद आपकी आती है उसमें है डॉक जी सर, सब में ही है, सभी में है। आपकी सारी ठीक है प्रोटीन्स। अच्छा अब एक इशू है बस आपका जी सर। आपने इशू तो मीन्स कोई इतना खास ये ही नहीं है, आपने सिर्फ अच्छा मैं सीडीएस सीक्वेंस भी देख लू एक बार आपकी। हाँ यही इशू है, ये देखिए सीडीएस में आपके ये लिखा हुआ है _1, लेकिन जो आपकी पेप्टाइड की सीक्वेंस है जीनोमिक, जीनोमिक ये जो जीनोमिक सीक्वेंस है उसके अंदर _1 नहीं लिखा हुआ, ये देखो ये इशू है। अगर ये जी सर तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, तो मेरी बात की समझ आ रही है जी। और सर वो जो लंबी सीक्वेंस है जिसमें दो सीडीएस आ रहे हैं सर, उसमें बस ब्लू पोर्शन जो है कॉपी करना है। हाँ ब्लू और व्हाइट वाला स्टार्ट सर, मतलब अगर ब्लू ब्लू व्हाइट ब्लू आता है तो पहले ब्लू से लेके दूसरे ब्लू तक करना है, और अगर सिर्फ ब्लू ही है, अगर पहला ब्लू आता है फिर व्हाइट आता है फिर ब्लू आता है फिर व्हाइट आता है लास्ट में फिर ब्लू आएगा, समझो ब्लू और व्हाइट सारे करने हैं। सर अगर ऐसा होता है कि ब्लू है फिर पर्पल है और फिर व्हाइट आता है तो फिर हमने सिर्फ ब्लू ही करना है। होगा ही नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, अब वो ऐसा करके देखे और साथ में ये अंडरस्कोर सबके अंदर ऐड करें जी सर, तो फिर आप देखेंगे तो आपका बन जाएगा ये सीडीएस स्ट्रक्चर। ये करके भेजिए फिर मैं देखता हूँ क्या क्या करते हैं। आप बना के देखे, अगर नहीं बनता तो फिर आप मुझे सीक्वेंसेस भेज दे फिर मैं दोबारा कर देता हूँ। जी चलें ठीक है सर, मैं ये करती हूँ काम, फिर बताती हूँ आपको। चलें ठीक है सर, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।